हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपने फ़ोन का जो नेट है, जो हॉटस्पॉट है, हम उसको वाईफाई पीसी में हम कैसे चला सकते हैं, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये विंडो 10 है, तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो नेट है यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो ये बता रहा है नॉट कनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क जो है वो हमारा कनेक्ट नहीं है। तो मैं अपने फ़ोन से इसमें अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें वाईफाई कनेक्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे पास ये डाटा केबल है, जो कि आपको ये नज़र आ रही है, ये डाटा केबल है मेरे पास, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको जो डाटा केबल है जो मैं इसको लगाने वाला हूँ इसमें, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर लगाने के बाद आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप देख सकते हैं ये जो मैंने अपने जो फ़ोन का डाटा केबल है वो लगाया हुआ है वहाँ पर। और अपने फ़ोन में इस साइड में आप देख सकते हैं ये मेरे को डाटा केबल यहाँ पर मेरे को लगाना है, तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको लगा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आपको साउंड की आवाज़ आ गई होगी, जो कि मेरा ये कनेक्ट हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं ये चार्जिंग भी आपको दिखा रहा है फ़ोन में। और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको ये दिखा रहा है, हम इसका जो है, मेरे पास वाईफाई है तो मैं उसका हॉटस्पॉट, पहले मैं नेट अपना फ़ोन का ऑन कर लेता हूँ। ऑन करते ही मैं यहाँ से पहले हॉटस्पॉट ऑन करूँगा। फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ये जो हॉटस्पॉट है, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, पीसी में चलाने के लिए, फ़ोन का नेट जो है हम पीसी में चलाने के लिए, पहले हमको जाना होगा सेटिंग पर। फ़ोन से ही सेटिंग पर जाने के बाद आपको ये जो सर्च बटन दिख रहा है, हमें यहाँ से सर्च करना होगा USB, यानी कि हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं USB ट्रेडिंग, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है USB ट्रेडिंग, हमें इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमें इसे ऑन कर देना है। ऑन करते ही हम इसको, मतलब फ़ोन को जो है वो बंद करके रख देंगे, और हम अब PC में इसको कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मेरा ये जो, हमने इसको जैसे ऑन करा है, तो मेरा फ़ोन जो है वो ओप्पो का है, A53, तो मैं इसको जो है वो, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फ़ोन का नाम है वो ओप्पो A53 है, जो कि ये आ चुका है। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन दबाना है। कनेक्ट का ऑप्शन दबाते ही आपको पासवर्ड मांगेगा, यानी कि जो पासवर्ड है वो हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप भी अपने कीबोर्ड से अपना जो हॉटस्पॉट का पासवर्ड है फ़ोन का वो डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डालने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर जो आपको साइड में दिखा रहा है जो आइस का आइकन है, हमें इसे क्लिक करके रखना है, तभी आपको जो है वो अपना पासवर्ड नज़र आ जाएगा कि आपका पासवर्ड ठीक है कि नहीं। हम यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हैं मेरे जो पासवर्ड है जो मैंने डाला है वाईफाई का, मतलब अपने हॉटस्पॉट का, वो कनेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर दिखा रहा है डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपको ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर दिखा रहा है ओप्पो A53 जो है वो कनेक्ट हो चुका है, इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको कुछ चला कर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब जो है वो चल रहा है। इसी प्रकार से आप भी अपने फ़ोन का जो नेट है वो अपने PC में वाईफाई उसका ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।